का दोस्तों निर्मला की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बेसन और मावा से बनी हुई एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं जिसमें आपको बेसन की बर्फी, बेसन मावा बर्फी और मोहन थाल का भी स्वाद आने वाला है आपके साथ शेयर करेंगे, जिसे हमने घी के बचे हुए मावा से तैयार किया है। यह मिठाई इतनी यम्मी और डिलीशियस देखने में लग रही है कि इसे देख कर और खा कर कोई भी नहीं पहचान सकता कि इसे हमने घी के बचे हुए मावा से तैयार की है। तो इस रेसिपी को हमने कैसे तैयार किया है चलिए देख लेते हैं। बेसन मावा की बर्फी बनाने के लिए हमने एक पैन को गैस पर रख दिया है। गैस फ्लेम हमने स्लो ही रखा है और कढ़ाई में हमने एक चम्मच देसी घी डाल लिया है और इसमें हम 3 कटोरी बेसन डाल दे रहे हैं और स्लो फ्लेम पे ही हम इसे अच्छी खुशबू आने तक और थोड़ा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। यहाँ पर हमें 15 मिनट लगा है इसे स्लो फ्लेम पे भूनने में। तो हमारा बेसन भून चुका है और इसे हमने एक प्लेट में निकाल दिया है और अब हम उसी पैन में घी के बचे हुए मावा को डाल लेंगे और साथ में ही हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। और यहाँ पे दूध थोड़ा कम लग रहा है तो और दूध हमने थोड़ा सा ऐड कर लिया है। कुल मिला के यहाँ पे हमने 250 ग्राम दूध डाला है और 3 कटोरी बेसन हमने यूज़ किया था तो उसी कटोरी से 2 कटोरी चीनी हम डाल रहे हैं। चीनी डालने के बाद चीनी ने अपना पानी छोड़ दिया है तो इसे हम थोड़ी देर पकाएंगे जब तक कि चीनी थोड़ी सी चाशनी जैसी गाढ़ी ना हो जाए। करीब 6-7 मिनट पकाने के बाद हमारी मिश्रण इस तरीके का हो गया है और इसी स्टेज पर हमने 2 इलायची को बारीक कूट करके डाल लिया है और 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर हमने ऐड कर लिया है। कलर डालने से हमारी बर्फी को एक बहुत ही प्यारा सा कलर मिलेगा। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और ये चीनी भी पक गई है और थोड़ी इसकी थिकनेस भी बढ़ गई है जिससे हमारी बर्फी एकदम आसानी से जम जाए। और अब इसमें हमने भुने हुए बेसन को मिला दिया है और 2-3 मिनट मिलाने के बाद हमारा बर्फी का मिश्रण बिल्कुल इस तरीके से तैयार हो गया है और मिश्रण कढ़ाई छोड़ने लगा है तो हमने गैस बंद कर दिया है। इधर हमने एक थाली में थोड़ा सा घी ग्रीस कर लिया है जिससे हमारा बर्फी आसानी से निकल सके। और बैटर को हमने थाली में ट्रांसफर कर दिया है और इसे हम कलछी के हेल्प से चिकना कर लेंगे और थोड़ा सा इसे थाली को टैप भी कर लेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। लास्ट में हम इस पे थोड़ा सा अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से गार्निश कर देते हैं। यहाँ पे हमने काजू, पिस्ता और बादाम से गार्निश किया है और ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा कलछी से प्रेस कर देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और इसे हम 1 घंटे के लिए ठंडा होने को छोड़ देते हैं। 1 घंटे बाद जब थोड़ा ठंडा हो जाता है तो इसे हम चाकू के हेल्प से कट का निशान लगा देते हैं कि बाद में पीसेस आसानी से निकल सके। 2 घंटे बाद बर्फी अच्छे से सेट हो चुकी है और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि तोड़ने के बाद ये बर्फी अंदर से एकदम मोहन थाल की तरह दानेदार दिख रही है। तो आप इस बर्फी की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको इस बर्फी में बेसन की बर्फी, बेसन मावा बर्फी और मोहन थाल तीनों मिठाइयों का टेस्ट एक ही मिठाई में मिलने वाला है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।